नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अडानी शेयर मुद्दे पर संसद 6 फरवरी तक के लिए स्थगित। अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 22वें नंबर पर आ गए हैं। केंद्र ने कहा, अडानी मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अडानी शेयर के मुद्दे पर संसद अब भी हैरान है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही 6 फरवरी तक स्थगित करने की घोषणा की गई है। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सरकार के इस पर सहमत नहीं होने के कारण विपक्ष लगातार अपनी आपत्ति जता रहा है। पहला सत्र स्थगित किया गया, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद मामला फिर गर्मा गया। संसद को अब 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी के शेयरों के मुद्दे से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सरकार की ओर से यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कुछ नहीं पता है, यह मामला सरकार से संबंधित नहीं है। विवाद के बीच यह पहली बार सरकार ने जवाब दिया है। फोर्ब्स कि विश्व की राजधानियों की सूची में गौतम अडानी 22वें स्थान पर हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर बाजार में 10 गुना गिरावट आई। रिपोर्ट के पहले अडानी जहां तीसरे नंबर पर थे, वहीं अब वह 22वें नंबर पर आ गए हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी का स्थान 11 नंबर पर है। असम में बाल विवाह करने वाले गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब तक 1285 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। 18 साल से कम उम्र में किसी भी लड़की से शादी करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। न केवल उन्हें बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मुस्लिमों को परेशान करने के लिए बाल विवाह के नाम पर गिरफ्तारियां की जा रही है। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी और कारण से किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। अडानी विवाद पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? उनकी पार्टी की तरफ से गौतम अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन खुद राहुल गांधी इस बारे में चुप क्यों हैं? यह सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहा है, लेकिन राहुल गांधी शुरू से ही अडानी मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने BBC पर मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बयान पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है। इसका विरोध करते हुए विभिन्न पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का बयान सुनने के बाद ही कोर्ट अपनी स्थिति स्पष्ट कर पाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।